दोस्तों बीते दिन रिलायंस जियो के दो प्लान्स लॉन्च हुए हैं। इन दोनों प्लान में आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल का, जिसकी कीमत 1499 रुपए है। लेकिन दोस्तों इन प्लान से मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ हूं और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन प्लान से उतना ही हर्ट होंगे जितना कि मैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं। जियो के यूजर्स के लिए ज़रूरी है ये वीडियो, कहीं आप रिचार्ज न करा लें ये प्लान्स जो कि रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है 2-1-7। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों रिलायंस जियो कंपनी की हम अक्सर तारीफ करते हैं जब प्लान्स अच्छे आते हैं, लेकिन जब प्लान्स अच्छे नहीं आते तो हम खुलकर निंदा भी करते हैं। जो दो प्लान्स लॉन्च हुए हैं उनकी कीमत है 1499 और दूसरे की कीमत है 4199। 4199 वाला जो प्लान है इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है और बात करें वैलिडिटी की तो 365 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड यहां पर कॉलिंग और 3GB डेटा रोज है। दोस्तों इस प्लान की महंगाई समझाने के लिए जरा इसके पहले वाले प्लान समझिए, थोड़ा दिमाग खोलिएगा और समझिएगा। 2880 रुपये का एक प्लान है जिसमें आपको 2GB डेटा रोज मिलता है 365 दिनों के लिए, और इसके बाद 2999 का एक प्लान है जिसमें आप 2.5GB डेटा रोज मिलता है 365 दिन के लिए। मतलब 120 रुपये आप ज़्यादा दे देते हैं तो 365 दिन तक आपको आधा जीबी डेटा रोज एक्स्ट्रा मिलता है। तो 2 से 2.5 करने के लिए आपको सिर्फ 120 देना है, लेकिन 2.5 से 3 करने के लिए आपको यहाँ पर देना है 4199 रुपये, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा देना होगा 1200 रुपये। 120 रुपये 2 से 2.5 करने के लिए और 2.5 से 3 करने के लिए भी 120 एक्स्ट्रा लेना चाहिए, पर कंपनी ले रही है आपसे 1200 रुपये एक्स्ट्रा और 4199 रुपये का इन्होंने प्लान रखा है 365 दिन की वैलिडिटी वाला, क्यों हमें नहीं पता। अब दोस्तों ये प्लान वैसे तो बिक रहा नहीं था या फिर रिचार्ज हो नहीं रहा था, तो अब इसके साथ आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल का, जिसकी कीमत वैसे 1499 है, पर अक्सर आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिल जाती हैं एयरटेल में भी, वीआई में भी ऑफर्स के तहत, कभी ऑफर्स होते हैं कभी नहीं होते, और जियो में भी कुछ प्लान्स के साथ है लेकिन वो एक साल का प्लान नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप एक साल का रिचार्ज ले ही रहे हैं तो अगर आप एक दो महीने का प्लान लेते हैं तो भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्री मिलना है, तो इसमें फायदा क्या हुआ? ऑलरेडी इतना महंगा प्लान है, इससे बहुत अच्छा प्लान है 2999 वाला जो कि जियो दे रहा है, उसमें आपको 2.5GB डेटा ही मिलता है, लेकिन आधे जीबी के लिए क्या 1200 रुपए एक्स्ट्रा देना जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। तो दोस्तों ये प्लान मुझको पसंद नहीं आया, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बाकी दूसरा जो प्लान है 1499 का, इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है जिसकी कीमत 1499 खुद ब खुद है, और 719 वाला प्लान मिलता है 84 दिन की वैलिडिटी 2GB डेटा रोज, तो 84 दिन की वैलिडिटी दी जा रही है, इसके लिए आपने 719 रुपये दिया ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन, तो फ्री नहीं मिल रहा है आपसे, 783 रुपये लिया जा रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए। तो 783 रुपये जब एक्स्ट्रा ले ही रहे हैं तो फ्री क्यों कहना है? फ्री नहीं है ये, थोड़ा कीमत कम हो गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, बाकी फ्री नहीं है। अगर आपको प्लान पसंद आए तो ज़रूर रिचार्ज कराइए, मुझको तो नहीं पसंद आया। हाँ, रिचार्ज कराने के बाद आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट पर जाना होगा, कूपन कोड आपको माई जियो ऐप में मिलेगा, वो वहाँ पर अपना जियो नंबर OTP डालने के बाद कूपन कोड डाल दीजिएगा, आपको एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें इस वीडियो को, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।